ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं दी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इन इंडक्टर। ठीक है ना, इंडक्टर हमारे सिलेबस में है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का सारा डेरिवेशन हमने कैपेसिटर चैप्टर में किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आज हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो वी आर नाउ टूडेज टॉपिक विल बी दी एनर्जी स्टोर्ड। ओके एनर्जी, ठीक है। और इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो सबसे पहली बात क्या, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वो जो इंडक्टर में आएगी वो मैग्नेटिक एनर्जी है। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलो भाई, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। सो लेट अस ड्रॉ अ सर्किट। एक कैपेसिटर, एक बैटरी, ठीक है। इसके पैरों में मैंने लिखा डीसी, जस्ट टू एम्फेसाइज दैट दिस इज द डीसी करंट। और यहां पर मेरे पास आ गया कैपेसिटर, और कैपेसिटर है सी। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको वोल्टेज को यहां पर अप्लाई करूंगा, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाएगी। ठीक है, चार्जिंग हो जाएगी, तो ये वाला एंड बन जाएगा पॉजिटिव, ये वाला एंड बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा क्यू। ठीक है, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेट अस नाउ स्टार्ट फाइंडिंग इट। सो लेट अस से डी डब्ल्यू इज दी वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ठीक है, डी डब्ल्यू इज दी वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर टेकिंग टी क्यू चार्ज अक्रॉस दी कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के ऊपर कोई ना कोई चार्ज हमारे पास पहले से पड़ा है, और डी क्यू चार्ज मैं और वहां पर लेकर जाना चाहता हूँ, और वहां पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए डी डब्ल्यू हमारे पास डिफाइंड होता है वी डॉट डी क्यू। ठीक है ना, वी इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया हुआ फॉर्मूला, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट एनीवेज। तो ये आ गया मेरे पास जीरो टू कैपिटल क्यू, जो मैं लेकर जाऊंगा इसको, और मुझे वर्क करना पड़ेगा जीरो टू डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो, तो वोल्टेज इसकी हमारी यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस दी डी, मेरे पास क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल चेंज विद टाइम। जैसे जैसे इसके ऊपर चार्जिंग जाती रहेगी, वोल्टेज इसकी चेंज होती रहेगी। तो ये जो वी है, ये एक्चुअली में इस वी के बराबर नहीं है। चलो, तो मैं इस वी को मैं यहाँ से रब करके इसको मैं नया नाम देता हूँ, ई कह देता हूँ इसको। तो लेट अस से बैटरी मेरे पास ई लगी थी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो थी वो वी थी, तो यहाँ पर मेरे पास वी आ गया। तो अब मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूँ, तो वी को मैं लिखने वाला हूँ सी, मेरे पास कॉन्स्टेंट है कैपेसिटी, तो वी कैन बी रिटन एज क्यू बाय सी, क्यू बाय सी डी क्यू इसका इंटीग्रल। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी, और क्योंकि मैं इस पे डेफिनेटिव इंटीग्रल कर रहा हूं, तो ये जीरो टू क्यू आ जाएगा। सो इन द एंड आई गॉट दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी की सारी वेरिएशंस हैं हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू इंटू वी। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। आई हैड बिन अ लिटल क्विक इन दिस डेरिवेशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया वर्क डन। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर। तो जितना वर्क करना पड़ा वही सारे का सारा मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड हो गया इन साइड कैपेसिटर। ठीक है, और ये कौन सी एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चे,
एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि जहां पर भी हमें कोई भी चीज करने के लिए फोर्स लगानी पड़े तो वहां पर हमारे पास वर्क डन अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वर्क हो जाएगा एफ डॉट डी एस। तो मेरे पास जैसे मेरा छोटा सा चार्ज था डी क्यू, वो मेरे पास इस पॉइंट पे था। मैं जब इसको यहाँ से डी क्यू को निकाल के इसके अंदर लेकर जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करूंगा, तो इसमें वोल्टेज चेंजेस होंगी, तो यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम चार्जिंग होगी, क्यू आ गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बैटरी तो अभी भी कनेक्टेड है, क्या बैटरी इसको और चार्ज नहीं दे सकती? आपको भी दे सकती है। तो इसने और चार्ज क्यों नहीं ले रही? यहाँ पर ये क्यू क्यों है, यहाँ पर टू क्यू क्यों नहीं, थ्री क्यू क्यों नहीं, फोर क्यू क्यों नहीं है, और चार्ज क्यों नहीं चला जाता? तो उसके पीछे हमारे पास रीजन रहेगा कि और चार्ज नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ से चार्ज इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर जो ऑलरेडी चार्ज है वो इतनी रिपल्शन करता है कि मेरी बैटरी उसको उतनी फोर्स लगा ही नहीं पा रहा। बैटरी मतलब ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो उसको उतनी फोर्स ही नहीं दे पा रहा कि वो चार्ज को धक्का ही नहीं मार पा रहा कि वो कैपेसिटर तक पहुंच भी सके। क्यों? क्योंकि अब कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो चुका है और यहां से हमें काउंटर रिपल्सिव फोर्स मिल रही है। तो ये तो था हमारे पास कैपेसिटेंस का, और हमने क्या किया, फोर्स लगाया, वहां पे वर्क किया। तो जब तक हमने इसके ऊपर चार्जिंग चलती रही, जाता रहा, हमने वर्क तो करते ही रहे, तो वो वर्क हमारे पास सारे का सारा स्टोर हो गया किसमें, एनर्जी की फॉर्म में। फोर्स, वर्क एंड देन एनर्जी, ये कनेक्शन बच्चे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही कम स्टूडेंट को क्लियर होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, तो बंदा कहीं ना कहीं से कुछ भी डेरिवेशन कर देता है और आप उसको रट्टा मार लेते हो, उसको समझ नहीं पाते हो। तो दिस इज द मेथड टू अंडरस्टैंड इट। तो अब मेरे पास फार्मूला बन गया हाफ सी वी स्क्वेयर। तो ये तो हो गया एनर्जी ऑन द कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो ये तो टोटल एनर्जी है। तो अगर मैं इसका एक पर्टिकुलर केस लेता हूँ कैपेसिटेंस का, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन सकता है? अब मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर टू। नाउ आई एम ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो मेरे पास ये वाली स्टोर्ड है और इसको मैं अब पर यूनिट वॉल्यूम में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू ई। तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर मैं कैपिटल यू लिखता तो उसका मतलब था टोटल एनर्जी। तो मैं इसको इक्वल टू, चलो मैं उसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देता हूं। तो यू ही मेरे केस में हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम पूरा लिखा क्योंकि वी और वी का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वी यहां पर क्या है, बैटरी लगाई हुई है, क्योंकि अभी तो फाइनल आंसर है, तो उस वक्त वी इज इक्वल टू ई हो गया। तो ये हो गया हाफ सी वी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, और सी मैं केस ले लेता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सी विल बी गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और इसको मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो यू ही मेरे पास आ गया हाफ सी इनटू पोटेंशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ दी स्पेस इनसाइड दी कैपेसिटर? तो अगर आप भूल गए हैं कैपेसिटर को तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास बन गया कैपेसिटर, ये देखो, तो ये मेरे पास दो रॉड हो गई। ठीक है, और प्लेट हो गई कैपेसिटर की। ठीक है, और यहां से मैंने इसको कर दिया कनेक्ट। ठीक, सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इनसाइड द कैपेसिटर? कैपेसिटर के अंदर कितना वॉल्यूम आया? तो ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है दैट डिस्टेंस इज गिवन एज स्मॉल डी।
ठीक है, और ए इसका प्लेट का एरिया, तो मेरे पास यहां पर वॉल्यूम बन गया ए इंटू डी, ए इंटू डी। ओके, तो अब मैं ए से ए को कैंसिल कर दूंगा, मेरे पास ये बन गया 1/2 डी के साथ डी डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये रहा एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, एफ साइल नॉट बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डी स्क्वायर। V by D का स्क्वायर, तो V by D is the electric energy, sorry, electric field inside the capacitor. तो capacitor के अंदर जो भी मेरे पास electric field है, this electric field now this E is given by V by D. D is the distance between the plates and V is the potential difference between two plates. तो अब ये मेरे पास बन जाता है UE, मेरे पास एक formula बन गया UE का, which will be half F sigma naught E square, half F sigma naught E square. तो ये मेरे पास formula है electric energy per unit volume का। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है ना, सारे का सारा चीज मैंने रिपीट ही की है। तो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर के बारे में, तो अब हम चलेंगे इंडक्टर के बारे में। तो वी विल सी द कोरोलरी कि क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज सी बन रही है या नहीं बन रही। सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। तो यहां पर आएगा मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, और इसके यूनिट्स हैं जाउल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और यहां पर जो है इस एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जाउल क्योंकि ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी हो गया और ये हो गया मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हर जगह पर अप्लाई होगा जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हाफ सी वी स्क्वायर हर जगह पर अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला सिर्फ कैपेसिटेंस के लिए अप्लाई होगा। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। हमने यहां पर ये सिर्फ प्रूफ किया है कि अगर मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम लू तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बनेगा जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में जनरल फॉर्मूले की तरह यूज होता है। सिमिलरली हम आ रहे हैं अब मैग्नेटिक एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो यहां पर मैंने बनाया सर्किट, और यहां पर इंडक्टर और बैटरी, तो एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि अभी तक हमने एसी चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन भी नहीं किया। Everywhere we are using DC only, so this is not AC, okay? और ये हो गया इंडक्टर L. तो इसमें मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास क्या एनर्जी स्टोर्ड है। अब हमें पता है कि अगर मैं यहां पर बैटरी लगाऊंगा E वोल्टेज का और यहां पर करंट फ्लो करने लगेगा, अगर ये करंट फ्लो करेगा इसमें से तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के कारण बैक EMF भी प्रोड्यूस होगा। यहां से बैक EMF आया मेरे पास, E is equal to minus L di by dt. तो ये back EMF आया, तो back EMF का मतलब है कि अपने आप में यहाँ पर एक बैटरी है। तो जब यहाँ से मैं dq चार्ज को उठाकर इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगी। तो सिंपल बात है, करंट तो फ्लो करेगा ही, करंट तो afterwards इस डायरेक्शन को पकड़ ही लेगा। अगर वो इस डायरेक्शन को पकड़ ही लेगा, इसका मतलब फोर्स लगानी पड़ी, फोर्स के कारण मुझे वर्क करना पड़ा, और वर्क के कारण मेरे पास बहुत सारी यहां पर एनर्जी स्टोर होगी। फिर से वही पुरानी बात आ गई। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे फिर से डी डब्ल्यू से। तो
तो मेरे पास आया डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन, अब मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्मॉल वर्क डन क्या लूँ, क्योंकि डी क्यू इंटू वी होता, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ई इंटू आई कर दूंगा वर्क डन। यहाँ पे मैं पावर फाइंड करता हूँ, चलो हम यस इलेक्ट्रिक सर्किट है तो डी डब्ल्यू का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो पावर का है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी आपका वी इंटू आई, तो बेसिकली ई इंटू आई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाली वोल्टेज है वो बिल्कुल इसके हमने इक्वल पुट कर दी, कि जहाँ पर जो ई एम एफ हमारे पास जनरेट हो रहा है वो ई के बराबर ही जनरेट हो रहा है। यहां से आया डी डब्ल्यू बाई डी टी और बैक ई एम एफ आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू दिस, तो बैक ई एम एफ और ये, तो वोल्टेज हमारी इसके, ये जो वोल्टेज है बेसिकली है क्या, तो वोल्टेज अक्रॉस एल, तो एल के अक्रॉस तो बैक ई एम एफ वाली वोल्टेज ही होगी ना, ये बना दिया था। अब मैं यहां से डी टी और डी टी को कैंसिल करता हूं, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां पर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, वर्क करना पड़ा जीरो टू डब्ल्यू, करंट मेरा गया जीरो टू आई, स्टार्टिंग जीरो से होगी, तो यहां पर मेरे पास वर्क डन आ गया। अब देखो, अब यहां पर हाँ ये तो बैक ईएमएफ है इसलिए मेरे पास नेगेटिव है, तो वर्क मेरे पास नेगेटिव आ गया, तो माइनस हाफ एल आई स्क्वायर, ताकि वर्क मुझे करना पड़ा, तो दैट इज व्हाई वर्क इज कमिंग नेगेटिव, तो जब वो एनर्जी में स्टोर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस के द मैग्नेटिक एनर्जी नाउ दैट बिकेम हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आज ड्राइव हो गया, हाफ एल आई हाफ एल आई स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हाफ सी वी स्क्वायर के। तो हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटेंस के लिए, हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर के लिए। तो उसी प्रकार जैसे हमने यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया, अब हम करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इजी है, इसको भी मैंने यू लिखा लेकिन पैरों में बी लिखा, ठीक है। This will be the total magnetic energy divided by the volume. So the total magnetic energy will be given by half L I square, where I is the maximum current that is flowing through the circuit at this time into the volume of the solenoid. तो solenoid का volume कैसे लोगे आप? ये रहा मेरा solenoid. तो सोलेनोइड का अगर मैं वॉल्यूम लूंगा, तो ये जो वॉल्यूम है ये तो मेरे पास एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हो गया, और लेंथ सोलेनोइड की एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो यू कैन से दैट दिस वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो वॉल्यूम को आपने लिख लिया एरिया इनटू एल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एल जो मेरे पास इंडक्टर है, नाउ वी नो, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वी नो दैट द सेल्फ इंडक्टेंस एल इज गिवन बाय म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाय एल, एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सोलेनोइड विल बी गिवन बाय, अब एक जगह से, अब मेरे को यहां पर क्या क्या चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, एक इंडक्टर का एल और एक करंट की आई,
ये दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एल तो मेरे पास यहाँ पर पड़ा ही है, लेकिन यहां से मैं आई की वैल्यू फाइंड करूंगा। फ्रॉम हियर करंट आई कैन बी इक्वेटेड विथ बी इंटू एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एन, तो इसको मैंने लिखा टू। और अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वन एंड टू, इंटू एल म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वेयर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर म्यू नॉट स्क्वेयर एंड एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय ए एल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या क्या चीजें कट रही है। सबसे पहले तो मेरे पास एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट गया, एल से और ये एल से एल स्क्वेयर भी गया, एरिया से एरिया भी गया, तो मेरे पास यहाँ पर बचा क्या, बी स्क्वेयर बच गया न्यूमिनेटर में और नीचे बचा टू म्यू नॉट। लो जी, तो दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय बी स्क्वेयर बाय टू म्यू नॉट। तो ये भी मेरे पास वो फॉर्मूला है जो कि मैं जनरल मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेकर चलता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला पर्टेनिंग टू मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट, तो ये इससे पहले जो हमने किया था ये, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका क्या है हाफ एफ साइन नॉट ई स्क्वायर और इसका मेरे पास आ गया बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ अभी इतना ही करना है इन दो टॉपिक्स में, इसके यूनिट्स हैं जाउल पर मीटर क्यूब और जो ऊपर मैंने एनर्जी ड्राइव किया था इसके यूनिट्स हैं जाउल। ठीक है, हाँ भाई बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझे बता सकते हो, अदरवाइज हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी चलें आगे। हाँ जी सर। ओके, तो ये हमारा खत्म हो गया। तो आज देखो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, सो वी हैव डन इट एंड नाउ अवर नेक्स्ट इज एलसी ऑसिलेटर, सो एलसी ऑसिलेटर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एलसी ऑसिलेटर, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है और समझ अच्छे से आ जाएगा, इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ध्यान देना। ठीक है ना, तो एलसी ऑसिलेटर, तो एक्चुअली में एलसी ऑसिलेटर इज गिवन बाय अ पर्सन नेम्ड हर्ट्ज, तो ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स लाइक 1875 नियर अबाउट, मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट किया था, आइडेंटिफाई किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर हमारा, एसी के बाद जब खत्म हो जाएगा तो हम वो करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, और इसके बाद 1887 नियरली 10 ईयर्स या 10-12 ईयर्स के बाद हर्ट्ज केम इनटू द पिक्चर। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल कंप्लीटली राइट। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच वॉज यूजिंग एलसी ऑसिलेटर टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ द मैक्सवेल इज कंप्लीटली राइट। मैक्सवेल की थ्योरी तब आई थी एंड नोबडी न्यू दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग और व्हाट। ठीक है, उन्होंने आकर चला दिया, सब कुछ हो गया, मान भी ली गई बात, ऐसा नहीं है कि मानी नहीं गई बात, सब कुछ ठीक था, लेकिन हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने, हर्ट्ज वाज अनदर पर्सन हु डिड द सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ मैक्सवेल एज राइट। तो ये हुआ 1887 में। और यहां पर एक फन फैक्ट ये है कि इन बिटवीन दिस
1885 में इंडिया से जेसी बोस फ्रॉम बंगाल, ही वाज वन ऑफ द ही इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इंडियन साइंटिस्ट एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय द डिस्टेंस 20 मीटर्स. तो 20 मीटर की दूरी तक इन्होंने, जैसे हमारे रेडियो चलता है उस वक्त, उस जमाने में रेडियो वीडियो नहीं था, तो जब वो रेडियो और ये सब हमारे चलने लगे, तो एट दैट टाइम ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पायोनियर्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर इन्होंने सबसे पहले ट्रांसफर किया था. लेटर तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई उसके बाद, लाइक 1897 तक तो फिर वो काफी सारा कुछ होने लगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गई और फिर तो बहुत आगे तक इन्होंने ट्रांसफर किए हैं. 1901 वाज द ईयर व्हेन सिग्नल वाज गिवन अक्रॉस अटलांटिक ओशियन. मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे लिख रहे अटलांटिक ओशियन. अटलांटिक ओशन मतलब यूरोप से लेकर यूएसए तक इन्होंने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया था. तो इतनी डेवलपमेंट तब होने शुरू हो चुकी थी. चलो एनीवेज हम चलते हैं वापस. अब हम आते हैं हर्ट्ज के पास वापस कि हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास क्या मदद हुई. तो इनका एक बड़ा सिंपल सा सर्किट है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज दैट सर्किट. सिंपल इस सर्किट में दो ही चीजें थी. एक था इंडक्टर, ठीक है. तो अब यहां पर तो था मेरे पास कैपेसिटर और यहां है मेरे पास इंडक्टर. और इसके आगे लग गई बैटरी. अभी भी सब कुछ डीसी ही है. तो अब यहां पर मेरे पास है दो कीज. ओके, एक की मेरे पास यहां पर लगी हुई है और एक की मेरे पास यहां लगी हुई है. तो सबसे पहले मैंने ये वाली की को मैंने ओपन रखा है, लेकिन दिस की इज क्लोज्ड. ओके, जब मैंने ये वाली की क्लोज की तो लेट अस गिव इट अ नेम. ये हो गया की वन, ये हो गया की टू. तो यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन करने लगता हूं. स्टेप वन, की वन इज क्लोज्ड एंड द कैपेसिटर इज चार्ज्ड. तो कैपेसिटर पे क्यू चला गया. क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी. वेरी क्लियर. V is the voltage and C is the capacitance. तो इसके ऊपर जो चार्ज चला गया वो हो गया ये. चार्ज मैंने शो कर दिया. ये वाला साइड हो गया पॉजिटिव, ये वाला साइड हो गया नेगेटिव. सो दिस इज Q इज इक्वल टू सी वी. देयर इज नो डाउट इन इट. उसके बाद मैंने क्या किया? नाउ स्टेप टू. नाउ की टू इज ओपन. ठीक है. स्टेप थ्री, की सॉरी की वन इज ओपन, नॉट की टू. ओपन मतलब सर्किट ब्रेक कर दिया मैंने. ठीक है ना. की वन इज ओपन. सो नाउ की टू इज क्लोज्ड. अब की टू मैंने बंद कर दिया. तो एल और सी दोनों के दोनों कनेक्शन में आ गए. तो एल और सी अगर कनेक्शन में आते हैं तो व्हाट विल हैपन एट दिस मोमेंट? द कैपेसिटर will start discharging through inductor. तो वो करंट पास करने की कोशिश करेगा. और अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर देता हूं, now this circuit is closed and this circuit is open now. ठीक है. अगर ये सिचुएशन है मेरे पास, तो now the current will start flowing like this.
और सर्किट में करंट कभी भी हाफ सर्किट में नहीं होता, पूरे में ही होता है। तो पूरे सर्किट में मेरे पास करंट फ्लो करने लगा एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट। ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया। अब अगर सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, सो नाउ व्हाट विल हैपन, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। सो इट मींस एक टाइम आएगा जब आपका कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, अब यहां से करंट जा रहा है इसके अंदर से, लेकिन करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है विद टाइम। व्हाई? क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, नेगेटिव फ्लक्स हो रहा है, तो पहले इंडक्टर क्या करेगा, सेम ही डायरेक्शन का ईएमएफ जनरेट करेगा और इस करंट को खत्म ना होने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बिकॉज द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, द करंट थ्रू सर्किट इज रिड्यूसिंग, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो धीरे 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 करंट कम होता रहेगा और वो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो करंट ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बैक ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड, बैक ईएमएफ इन इंडक्टर विल बी जनरेटेड, दैट विल intend to push the current in same direction. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपके पास आपके कैपेसिटर के अंदर एनर्जी थी, तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी थी वो इंडक्टर के अंदर जाकर स्टोर हो गई। जब वो स्टोर हो जाएगी तो कैपेसिटर के पास एनर्जी क्या होगी, जीरो हो गई। लेकिन इंडक्टर ने कहा कि नहीं भाई, करंट को फ्लो करवाते रहो, तो इंडक्टर ने फिर से करंट को फ्लो करवाया, तो ये करंट पूरे का पूरा फ्लो होकर वापस कैपेसिटर तक पहुंचता है, एंड दिस टाइम द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, ये हम आगे थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं। तो यहां पर इसकी कैपेसिटर की जो जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। तो मैंने यहां पर बोल दिया, यहां से करंट आगे चला गया। तो नाउ अगेन द कंप्लीट एनर्जी इज अगेन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विद द रिवर्स पोलैरिटी। सो फर्स्ट एग्जिस्ट ओनली इन कैपेसिटर, देन कंप्लीट एनर्जी is transferred to inductor and then again capacitor is charged but with reverse polarity. बट विद रिवर्स पोलैरिटी, तो उनकी जो रिवर्स पोलैरिटी है वो यहाँ पर जाकर क्रिएट हो जाएगी। अब ये प्लस और माइनस है, तो बाद में ये वाला एंड प्लस हो जाएगा और ये वाला एंड माइनस हो जाएगा, ये आपके पास पोलैरिटी बनेगी। ठीक है, तो ये वाला एंड हो जाएगा आपका माइनस और ये वाला एंड हो जाएगा आपका प्लस। तो अब इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो देखो, अब ये तो हो गया आपकी पूरी की पूरी एक डिस्क्रिप्शन हो गया, जिसमें आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। सबसे पहले एनर्जी मेरे कैपेसिटर के पास है, वो सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास चली गई, इंडक्टर ने सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास भेज दी। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर कहेगा कि मुझे डिस्चार्ज होना है, फिर कैपेसिटर दूसरी तरफ एनर्जी भेजना के शुरू करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद फिर से करंट फ्लो करेगा,
बट नाउ द करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगा. इंडक्टर से करंट होते हुए जाएगा कैपेसिटर की तरफ, इंडक्टर फिर से कहेगा कि भाई करंट ऐसे चलते रहने दो, फिर से वो सारे का सारा चीज चेंज होगा, मतलब कैपेसिटर की फिर से पोलैरिटी चेंज होकर पुरानी वाली पोजीशन पे फिर से चला जाएगा. तो ये हो गया आपका साइकिल नंबर वन कंप्लीट. मैं इसके आगे लिख देता हूँ, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने द कैपेसिटर इज चार्ज बट विद रिवर्स पोलैरिटी एंड अगेन. एंड करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज था अब क्लॉकवाइज है, ठीक है ना. तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिवर्स. तो रिवर्स डायरेक्शन में इनका करंट जाने लग गया. तो अब ये तो हमें समझ में आ गया भाई. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे सर्किट में अगर रेजिस्टर नहीं है तो एनर्जी हमारी लॉस होगी नहीं. तो कभी एनर्जी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, एंड एनर्जी विल कीप ऑन मूविंग टू एंड फ्रो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे यहाँ पर एनर्जी इसकी घूमती रहेगी सर्किट में फॉर इनफाइनाइट टाइम. तो यहां पर मैं ये वाली कंडीशन भी लिखता हूँ, नो डैम्पिंग वाली. एज देयर इज नो रेजिस्टेंस, एंड नो पावर लॉस, सो नो डैम्पिंग विल बी देयर, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस विल रिमेन सेम, ठीक है ना. तो अब आपके पास इसकी कोई डैम्पिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही चलता रहेगा और करंट की वैल्यू कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. तो करंट आपके पास एक बहुत जबरदस्त यहां पर एक वेरिएबल है, तो उसको अब हम स्टडी करेंगे. हाँ बच्चे, यहां तक समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं. हाँ भाई चल जाएं. एक हाँ जी सर, मिनट सर। लो भाई एक मिनट लो. ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम मत लेना. ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ एनालिटिकल ट्रीटमेंट की तरफ. सुनाओ व्हाट. अब मैथमेटिक्स में हम घुसेंगे, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, सर्किट आपके सामने है, और अब इस सर्किट में यार फिर से थोड़ा सा गड़बड़ा. अब इस सर्किट में जो मेरे पास ये वाला जो सर्किट है, इसमें मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा. ठीक है, और किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा तो पहले तो डिस्क की डिस्चार्जिंग हो रही है, तो ये आ गया क्यू बाय सी
माइनस एल डी आई बाय डी टी। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास करंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो डी आई बाई डी टी, तो ये आ गया इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑल्सो, जो मेरे पास करंट आया आई को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी क्यू बाय डी टी, और नेगेटिव क्यों, बिकॉज विद टाइम चार्ज इज रिड्यूसिंग। ठीक है ना, कैपेसिटर पे चार्ज रिड्यूस हो रहा है, तो आई को मैंने लिखा माइनस डी क्यू बाय डी टी, इसमें अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा क्यू बाय सी माइनस एल डी आई बाय डी टी, में जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपके पास प्लस, तो यहां से आएगा ये इसको मैं लिखूं क्यू बाय सी इज इक्वल टू माइनस एल बाई डी टी स्क्वेयर। ठीक है, दिस इंप्लॉयज बच्चे ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका मतलब हो गया सो, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो मैं अभी इस इक्वेशन को बिल्कुल उससे कंपेयर कर सकता हूं एसएचएम इक्वेशन से। तो एसएचएम का इक्वेशन होता है तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये कुछ छोटा मोटा इक्वेशन नहीं है, ये एक बहुत तगड़ा कंक्लूजन है, ये एसएचएम इक्वेशन है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो जो हमारी एक्चुअल में एसएचएम की इक्वेशन होती है ईएक्सटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास एसएचएम इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा का पूरा कंपेयर कर सकते हो, दे आर टिपिकली सेम, ये एसएचएम और ये वाला यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में जो मेरे पास यहाँ पे चार्ज में आएगी इक्वेशन वो सारी की सारी एसएचएम की इक्वेशन आएगी। तो इसके अंदर जो मेरे पास चार्ज है, इसका जो चार्ज है कैपेसिटर का चार्ज है, उसको एक्चुअली मैं देखूंगी कब ज्यादा कब कम, तो वो एक एसएचएम वेरिएशन देगा। तो मेरे पास यहां से इक्वेशन बनेगा हाँ भाई, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये हमारे पास आती है। तो इसको आप a नॉट इनटू कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, वन इज द सेम थिंग। ओके, तो यहां पर जब मैं लिखूंगा इसको, मैं Q को लिखने वाला हूं तो आई कैन चूज, ठीक है, यहां पर इसकी जो वेरिएशन, इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, आप उनको चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। पहले हमने साइन ओमेगा टी चूज किया था और कई बार कॉस ओमेगा टी, तो यहां पर मैं लेकर चलने वाला हूं Q नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्यों, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरे इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम है, यहां पर उल्टा है। अगर t इज इक्वल टू जीरो लूंगा तो आपके कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो नहीं है, तो अगर यहां पर मैं साइन लूंगा तो वो तो जीरो और जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने चूज कर लिया q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा कंक्लूजन आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहां से करंट भी फाइंड कर सकता हूं, यहां से करंट आ जाएगा, सो करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और करंट आपका नेगेटिव था, मैंने यहां पर बोला था कि आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी मैं यहां पर लेकर आऊंगा, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी आया और ये क्या बन जाएगा, क्यू नॉट आएगा कॉमन इंटू ओमेगा
साइन ओमेगा टी, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ भाई बच्चों, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अब कंक्लूजन पे कंक्लूजन बन रहे हैं। हाँ भाई क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ऑल्सो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड दैट इज गिवन बाय जो क्यू नॉट है इनटू ओमेगा। तो क्यू नॉट मेरे पास आ जाता है सी इनटू वी सी वी, और ओमेगा आएगा टू पाई एफ एनीवेज। तो ये आप लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते तो भी अच्छा। ओमेगा की वैल्यू मैं अच्छा टू पाई एफ नहीं मैं पुट करूंगा, इसको मैं कोई और वैल्यू पुट करूंगा। वेट अ मिनट। ओके, तो अब देखो, अब जैसा कि हम एसएचएम चैप्टर में किया करते थे 11th में, जो भी मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन बनती थी किसी भी रैंडम इक्वेशन की, उसको मैं इससे कंपेयर करता था और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करता था। तो यहां से मेरे पास आ गया, इसको मैंने लिखा वन, इसको लिखा मैंने टू, लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू। बस मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का और है, हो जाएगा। कंपेयरिंग वन एंड टू वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर एलसी ऑसिलेटर विल बी गिवन बाय वन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ एलसी। ये देखो, यहां से इसको मैंने कंपेयर किया, तो ये ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से कंपेयर करके निकाल सकता हूं कि 1 बाय एलसी के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आ गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू दिस या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एलसी, इज इट? तो मैं इसको भी करता हूं यहां से, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एलसी, दिस इंप्लॉयज ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एलसी। यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं 2 पाई एफ, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी इसकी 1 की बाय 2 पाई रूट ऑफ एलसी। हाँ भाई बच्चों, ये समझ में आया? हाँ जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगेन एंड अगेन उनका एक ही क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर, भाई ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एलसी। बच्चे इसका भी आंसर ठीक से नहीं दे पाते, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ गई, देखो ये ओमेगा भी आ गया, तो आई भी आ गया और क्यू भी आ गया, तो अब हमें चार्ज और आई इनका ग्राफ भी बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलो अब लास्ट पार्ट रह गया थोड़ा सा, एंड दैट इज ग्राफ्स। कहो तो अभी कर देता हूं, कहो तो कल कर दूंगा। अभी कर दूं? चलो अभी कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना? ग्राफ्स, अब इसमें मेरे पास सबसे पहला ग्राफ आ गया, एंड दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है? और दूसरा ग्राफ मेरे पास है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों के दोनों ग्राफ हम बनाते हैं। तो अब देखो, अब ये हो गया मेरे पास ओके। तो यहां पर मैं क्यू क्यू नॉट की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू पुट करता हूं, और ये वाला हो गया मेरे पास टाइम एक्सिस। तो क्यू नॉट का ग्राफ कैसा बना? क्यू नॉट का ग्राफ तो बना कॉस वाला, यहां से शुरू होते हैं,
यहाँ पर एक साइकिल खत्म हो गया, ठीक है, ये हुआ सेकंड साइकिल। तो ये रेड कलर में जो मेरे पास बन गया, ये तो ग्राफ बन गया मेरा क्यू का, और जो करंट का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास करंट आई साइन ओमेगा टी। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये है मेरे पास क्यू की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर है मेरे पास करंट की। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बताओ आप, हाँ जैसे आ गया ना समझ में। तो ये मेरे पास हो गया क्यू मैक्स और ये मेरे पास हो गया आई मैक्स। तो इसमें अगर मैं टोटल टाइम पीरियड देखूं तो टोटल टाइम पीरियड मेरे पास क्या आएगा, ये साइकिल यहाँ तक, तो ये हो गया मेरा टोटल टाइम पीरियड, यहाँ तक मेरे पास टाइम पीरियड आ गया टी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास टाइम पीरियड T/2 ऑसिलेशन का, और ये हो गया T/4। तो अब आप T/4 पॉइंट पर देख सकते हो कि बेसिकली हो क्या रहा है। बच्चे समझना बहुत जरूरी है, समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है ना, डिले कर देंगे काम, लेकिन ऐसा मत करना कि समझना। अब देखो यहाँ पर क्यू मैक्स है, तो यहाँ पर क्यू मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम कैपेसिटिव एनर्जी, ऑल एनर्जी इज इनसाइड द कैपेसिटर। और उसके बाद करंट मूव करने लगा तो करंट आपका इंक्रीज होने लगा, तो आप देख सकते हो कि करंट इज पॉजिटिव हियर, सारे का सारा करंट आपका यहां पर पॉजिटिव है। देखो तो ये करंट आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, और सारे का सारा चार्ज आपका यहां तक चला गया। लेकिन उसके बाद आपका जब ये करंट रिड्यूस होने लगा तो इन्होंने इस ये चार्ज जो आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या किया, इसका करंट निकल गया। और अब देखो यहां पर, देखो यहां पर चार्ज क्या हो गया, चार्ज को देखेंगे, यहां पर चार्ज है जीरो, तो T/4 बाद कैपेसिटर के पास चार्ज कितना रह गया, जीरो। उसके बाद ये आगे चला गया तो T/4 और जो है क्वार्टर साइकिल आगे गया, क्वार्टर साइकिल, और यहां पर माइनस ऑफ क्यू नॉट हो गया, मतलब द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इज रिवर्स्ड, पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। यहां तक तो आपके पास पॉजिटिव था इसके ऊपर, यहां पे तो यहां पर कैपेसिटर सारी एनर्जी कैपेसिटिव थी, यहां पर सारी एनर्जी भी, यहां पर भी कैपेसिटिव है सारी एनर्जी, और देखो आप करंट जीरो है, और इंडक्टर के अंदर एनर्जी कहाँ जाएगी, इंडक्टर के अंदर एनर्जी यहां होगी यू बी, जो इंडक्टर की एनर्जी है वो क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर। तो जहां पर करंट आपका जीरो है इस पॉइंट पे, तो आपके पास इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी है, ऑब्वियसली जीरो, तो इंडक्टर ने सारी एनर्जी अपनी कैपेसिटर को दे दी, सारी की सारी कैपेसिटर में चली गई। अब आपका हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, मतलब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव यहां से घूमा और नीचे वाली साइड को पॉजिटिव और ऊपर वाली साइड को नेगेटिव बना दिया, तो आपका हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर करंट वापिस चला, अब देखो अब आपका जब करंट वापस चला तो ये सारे का सारा करंट है नेगेटिव, यहां पर भी मैं T/4 लिख देता हूं, T/4 टाइमिंग ही आ गई है, और उसके बाद यहां पर सारा करंट है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। अब करंट जब तक चलेगा तब तक इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी, तो आप देख सकते हो कि यहां पर सारी एनर्जी कैपेसिटिव में थी और करंट जीरो था। उसके बाद फिर से कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई, और जब आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे
फिर से प्लस क्यू मैक्स, तो यहां पर आपके पास सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल चुकी है, हाफ सीवी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। मतलब हाफ सीवी स्क्वायर कैसे आपका मैग्नेटिक और मैग्नेटिक कैसे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, आप इसको देख सकते हो। और आने वाले समय में बस ये सारे ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा और ये कोई डैम्पिंग नहीं होगी, कोई मैग्नीट्यूड में कमी नहीं होगी, दिस ग्राफ विल गो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बच्चे यहाँ तक हो गया सारा काम? हाँ हाँ भाई जी सर। डन, देख लो इसको, थोड़ा हजम कर लो, किसी को कहीं जाना तो नहीं है। हजम कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। हो गया? बस अब इसका एक लास्ट पार्ट, तो वो है एनर्जी। छोटी सी चीज है, अब 1 मिनट में खत्म है। अब देखो, अगर मैं कैपेसिटिव एनर्जी की बात करूं तो ये आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। तो ये एनर्जी मेरे पास क्या आ रही है, अब एनर्जी का ग्राफ देखते हैं। तो ये मेरे पास एनर्जी आ रही है क्यू नॉट की स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम एनर्जी इंटू कॉस स्क्वायर। सिमिलरली जो मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है दैट इज हाफ इंटू एल आई स्क्वेयर। तो यहां पर मैं अगर आई का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय हाफ, यहाँ पे एल आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो हाफ एल आई स्क्वेयर आ गया। तो ये आ जाएगा ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा डी। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि कैसे तो आपकी एनर्जी इन दी कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, दैट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां पर कैसा हो रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं इनको कभी टोटल कर दूं E नॉट जो ओरिजिनली चार्जर के कैपेसिटर के अंदर था, ओरिजिनली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हाँ भाई बच्चों, बात क्लियर हो गई? बस यहां तक आज का हमने करना था। ठीक है मोहित, मोहित जी सर। हाँ भाई, नींद तो नहीं आ गई? नहीं जी, चलो समझ में आ गया मैंने किया क्या है यहाँ पर। हाँ ये है बच्चे एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, और ये हर्ट्ज भाई साहब ने 1885-86 में कर दिया था, हम तो अब कर रहे हैं तकरीबन तकरीबन 120 साल के बाद, 120 के 130 साल के बाद। तो अब तो बनता है यार, इतना तो स्ट्रगल करना है ना। तो ये हमारे पास हो गया एलसी ऑसिलेटर। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। एलसी ऑसिलेटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लेंथी है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये किसी भी पॉइंट पे डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन हाँ लेंथी जरूर हो सकता है। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, आपके हाथ में लग जाएगा, उसके बाद आपको जीवन में कभी भी तंग नहीं करेगा। और एलसी ऑसिलेटर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दे आर वेरी वेरी इजी। तो अगर इसको कर लो तो डेफिनेटली बाकी सब स्टूडेंट से आगे निकलने के आपके पास चांस है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अब आपने क्या करना है, डीबीपीज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो ट्राई करते रहना। और साथ में आपकी जो ये वाला जो है, आपने पूरे का पूरा रिवाइज करके आना है। कल संडे है, आराम से बैठ के रिवाइज करो, रिवाइज पक्का करना। और मंडे को जो हमारा टॉपिक है वो इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड लेंथी हो सकता है, इसलिए
गेट रेडी फॉर मंडे. ओके भाई, एनीथिंग एल्स?